इजहारे मोहब्बत बेधड़क होनी चाहिए, इजहारे मोहब्बत बेधड़क होनी चाहिए, मोहब्बत हो या ना हो लेकिन चाय कड़क होनी चाहिए भाई साहब। वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूं आपका रिंकू पहाड़ी सीधे पहाड़ से। और आज हमारे यहां पे जो है रज्जू की शादी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, और वहां पे हम लोग जाएंगे। कल रात भी वहां मतलब मेहंदी की रात थी, वहां पे जो है नाचे मेहंदी लगाया। वैसे थोड़ा काम था, हुआ क्या कि मैं गैरसैन गया हुआ था थोड़ा, आजकल जैसे आपको पता ही है आधार कार्ड सेंटर खुल चुका है, उसका काम वहाँ पे था थोड़ा सा, तो उस चक्कर में 2-3 बज चुके थे। गैरसैन में हमें एक सब्सक्राइबर मिले अपने, उनका शॉप है वहाँ पे कुछ मतलब फार्म फ्रेश करके है शॉप है, काफ़ी उनसे बात हुई। 4 बजे तक मैं घर आया, फिर खाना खाया और उसके बाद हम जो है सो गए, थके इतने थे भाई धूप। अभी के जस्ट 8 बज चुके हैं, फ्रेश हो गए, मुँह धो लिया, सफाई सफाई सब की हो गई है। और अब देखिए कुछ मेहंदी की मैंने कल रात की एक शॉट वो बनाई है, सिनेमेटिक शॉट जिसको बोलते हैं। चोखोटा के पार्वती सरासनी जानी बलि सरासनी जानी जानी मसी को प्रताप लौंडा स्कूलानी जानी बलि स्कूलानी जानी चोखोटा के पार्वती सरासनी जानी बलि सरासनी मासी को प्रताप लौंडा इसको लानी जानी बलि इसको लानी जानी। और अब हम चाय बनाते हैं, चाय में ही जिंदगी है। चलो चाय पियोगे? चाय कड़क होनी चाहिए समझे। देखिए क्या बना हमारे, हम देखते हैं। ये है खाली है, अच्छा अंडे की भुजिया बनी है, तो जो नॉन वेज नहीं खाते हैं उनके लिए सॉरी। और अभी जो है मतलब रज्जू की शादी में सब लोग, हमारी चाची भी तैयार हो चुकी है और बीदी भी तैयार हो चुकी है और हम भी तैयार होते हैं, क्योंकि हमें जरा इतने सारे बर्तन धोने हैं। ये देखो छक्क बर्तन रखे, इमेजिन अब ब्याह रहता बिच फले बिच मेहंदी खबर देखो। ओहो क्या है ये लपता पतली है, लपता पतली। ठीक है पहले बर्तन वगैरह धोते हैं, किचन साफ करते हैं, फिर थोड़ा सा फिर। और ये अपना देखिए सलंगी गांव फिर से जो है, अभी जैसे मैंने बताया मैं जा रहा हूँ रज्जू की शादी में और देखते हैं वहाँ क्या माहौल है। तो सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे हल्दी लग चुकी है अभी। ये सब है जिसमें मतलब शादी में खाना वगैरह बनता है, और ये सब पंचायती होते हैं। ये देखिए ये टेंट लगा है ताकि बारिश वगैरह ना आए। ये लखपत भाई साहब जो है बम्बई से आए हैं और खाना मतलब ये इतना स्वादिष्ट बनाते हैं कि अब पूछो मत। ये देखो एकदम लखपत भाई क्या बन रहे हैं दाल? ये छोले बन रहे हैं, छोले छोले। अच्छा अच्छा आप तो शेफ हो, आपको क्या बोलना, आप तो कमाल के बनाओ ही बनाओगे। आज मेहमान जुड़े हैं हमारे साथ, गाँव के हमारे सब्सक्राइबर हैं ये। और ठीक हो सभी लोगों? हाँ सब बढ़िया ठेका। आपने क्या बनाया स्पेशल शादी में? आप यहाँ पे चावल के लिए हैं ये भी? इतने सारे मतलब गाँव में मतलब है शेफ लोग, सब मुंबई कोई दिल्ली से आए हुए हैं। ये है देखिए अपने, ये है भाई साहब पकौड़ा है। और क्या है आप देख सकते हैं पकौड़े हैं, ये मिक्स है सब, पोटैटो ऑनियन सब है। और ये दाल की है। पीछे जो है हल्दी का पूरा कार्यक्रम हो रहा है, सारी महिलाएं जो है हल्दी ले रहे हैं। और मैं दिखाता हूँ आपको, ये लगाए थे क्या क्या बनाए, क्या कोई बताएगा इसको? ये मशीन गन है, ये मशीन गन है, ये पान है, ये पान है, तवा 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 मशीन गन है। ओहो और तुम क्या बोट हो?
प्रो है, प्रो मतलब पुराने अभी जो है यहाँ पे सारा हल्दी वगैरह होने के बाद सब लोग पूजा वगैरह कर रहे हैं और देख सकते हो सारा यहाँ पे पूजा वगैरह हो रहा है। और अभी हल्दी होने के बाद सारा अभी हम लोग यहाँ पे विश्राम कर रहे हैं कुछ क्षण। अभी देखो सारे लड़के लोग बैठे हुए हैं। ये अपने चाची है, ये पैंसर गए हुए थे। चाची पैंसर का एक्सपीरियंस बताइए कैसा रहा है? अच्छा रहा। तुम क्या हकाने गए थे वहाँ? क्या हकाने गए थे? गाय भैंस कुछ आई हो हमसे वापसी? अच्छा कुछ नियम कानून होता है उनका क्या? कितना दिन तक वहाँ छोड़ सकते हो गाय भैंस को? हाँ तो तुम साल भर में छोड़ सकते हो। साल भर को? छह महीने में वापस आ जाएंगे। आ जाएंगे? कोई किसी का आया अभी तुम जब गए थे छोड़ने के लिए? तो आ गए परसों, एक दिन छोड़ के। क्यों? मेरे को क्या पता। अरे यार उसको किसी की याद आई होगी ना? पता नहीं, मतलब अपनी मम्मी की याद आ गई होगी। और ये हमारा जो है डोला सस्ता हुआ दूल्हे के लिए। हमने इसमें बोला है कि सब कुछ रहेगा, गुब्बारे हम लोग लगा देते हैं लेकिन सब फट जाते हैं। क्या करते फटते हैं? हवा ज्यादा हो जाती है और डोले पे कुछ भाग ऐसे भी है जो उनमें चुपके उसे फोड़ देते हैं। ये हमारे गांव का सामुदायिक पंचायती डोला है, हर शादी में हर विवाह में काम आने कभी भी ले जाओ तुम। यही ऐसे मोटा मोटा लगाया जाता है ताकि जो जब इसमें दूल्हा दूल्हा बैठे तो उसको लगे कि मैं अभी हॉट सीट में बैठा हूँ और आराम से जा सकेगा। और ये देखिए पीछे पूरा, मतलब हम जो है अभी दूल्हे को लेके आ रहे हैं, ये बारी बारी से लेके आ रहे हैं सब। दूल्हा हमारा देखिए पीछे आ गया है रज्जू की शादी में। कैसे जा रहे हो आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे पानी पियो, चलो आगे बढ़ो। छोड़ने के बाद जो है हमको ये मिठाई मिली जाती है, डब्बा मिला जाता है। और भीड़ देखिए लड़कों की भीड़ ज्यादा है डब्बे के ऊपर। बताइए हमने जो है मतलब दूल्हे का जो है दूल्हा रखा था घर पे, अच्छा है कुछ ना कुछ मिलता है। सोन पापड़ी का खोलना भाई। अरे यार तेजी में अनबॉक्सिंग। भाई लोगों रज्जू की शादी में आपका स्वागत है। अपने गांव वालों के लिए बचा है और ये हमारे लिए। कुछ इस तरीके से शादी में जो खाना खाते हैं लोग ऐसे खेतों में बैठ गया। ये जो अपने लोग कुछ घर ले जाते हैं खाना वगैरह भी, किसी के मतलब दादा दादी ससुर वगैरह होते हैं, काफ़ी बूढ़े होते हैं जो शादी में आ नहीं पाते हैं, उन लोगों के लिए सारा खाना वगैरह ले जाते हैं ये लोग। ये गांव की परंपरा है सारी के लोग गांव के नए नौजवान बांटने वाले। छोटा के पार्वती सरासनी जानी बली सरासनी जानी। मना इसमें रोटी दिस दन पूरा गाने ले हालो दनो टूटू मैं को बली दनो टूटू मैं उदास तेरु लगो ते उदास के को बली ते उदास के को। अभी जस्ट घर पहुंचा हूं अभी और थोड़ी देर पहले यहां पे, और बस नहा धो के थोड़ा फ्रेश होता हूं क्योंकि गर्मी बहुत है। और वैसे हम लोग रज्जू की शादी में थे आज और अच्छा मतलब लगा यार कि मतलब बहुत टाइम बाद मैंने भी शादी देखी, क्योंकि मैं भी जब जॉब पे था तो शादी के लिए मैं बोलता था यार गाँव आते थे हम लोग। बट अच्छा है कि इस टाइम पर हमको शादी देखने को मिला इस ऐसे समय पर। शादियाँ तो खैर होती अच्छी है पहाड़ की जैसे आपको पता है, तो मतलब भाई रौनक रहती है, एक हलचल रहती है, लोगों का प्यार रहता है, आपस में एक मिलजोल रहता है सब। होप कि आपको वीडियो पसंद आए क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगी वीडियो बनाने में। और कई लोग पूछ रहे हैं कि भाई आजकल आप बहुत बिजी हो। ऐसा नहीं है बिजी नहीं हूँ, मैं मतलब ब्लॉग्स बनाता हूँ लेकिन कभी कभी क्या हो रहा है मेरा काम जो है, मैंने जैसा आपको बताया आधार कार्ड का काम,
अटक जा रहा है। एक दो बार मेरा कुछ उसमें इश्यू चल पड़ा था तो मुझे दो तीन जगह जाना पड़ा उसके लिए, तो वहाँ पे थोड़ा दिक्कत आ रही है इस वजह से। बाकी कुछ नहीं है, ब्लॉग्स आते रहेंगे, आपका प्यार मुझे जब तक मिलता रहेगा मिल ही रहा है, ये ब्लॉग्स जो हैं आपके पास आते रहेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत टाइम हो चुका है, अब तो सब्सक्राइब कर दो भाई, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले किसी ऐसे ब्लॉग में, और तब तक टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, और बाय।